हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, जय जगन्नाथ। मैं बबली स्वागत करती हूँ मेरा चैनल वे टू हैप्पीनेस विद बबली पे। तो फ्रेंड्स, आशा करती हूँ कि आप सब लोग अच्छे से होंगे और अच्छे से रहिए। तो आज हम लोग खुद के ऊपर थोड़ा टाइम स्पेंड करेंगे, थोड़ा सब खुद को पैम्परिंग करेंगे। तो अभी जो टाइम है कोविड का टाइम, सबके घर में इतना सारा काम हो जाता है कि हम खुद को टाइम देना एकदम भूल जाते हैं। वो हमारा फेस को भी, किसी किसी दिन हम फेस को भी देखने के लिए मिरर में टाइम नहीं मिलता है। तो हमें कुछ भी करके, कोई भी काम को स्किप करके 10-15 मिनट के लिए खुद का ध्यान रखने के लिए थोड़ा सा टाइम देगा। तो देखिए, अभी मेरा स्किन जो है थोड़ा आपको ग्लोइंग दिख रहा होगा, देखिए। तो उसके लिए मैं थोड़ा सा खुद को 15 मिनट टाइम दी हूँ, तब जाके मुझे ऐसा स्किन मिला है। तो फ्रेंड्स, आगे आ रहा है हमारा वट सावित्री का पूजा। तो सारे सावित्रियों, अपने सत्यवान के लिए थोड़ा सा सुंदर होने के लिए खुद को टाइम दीजिए और उसमें ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा। घरेलू चीज़ में ही हम सुंदर बन जाएंगे। स्किन टोन आपका जैसे भी हो, गोरा हो, सांवला हो, काला हो, लेकिन स्किन हेल्दी रहना चाहिए। तो हेल्दी स्किन के लिए हमेशा हम घरेलू नेचुरल चीज़ें यूज करते हैं जो कि हमारा घर में अवेलेबल हो जाता है बहुत ईजीली। तो फिर वीडियो में बने रहिए, स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि छोटा छोटा चीज़ फेस के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। और तो चलिए, लाइक करना मत भूलिएगा। और अभी तक अगर आप मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो प्लीज़ जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आ जाए आपके फ़ोन में। तो फ्रेंड्स, हमें फेस को फर्स्ट कुछ भी पैक लगाने से पहले हमें फेस को फर्स्ट क्लींज करना है, डीपली क्लींज करना है, ताकि हमारा फेस के अंदर जो पोर्स है उसके अंदर जो डर्टी चीज़ है वो निकल जाए और जो पोर्स है वो थोड़ा ओपन हो जाए, ताकि हम जो फेस पैक यूज करेंगे वो हमारा फेस के अंदर एकदम जा पाए और उसका जो काम है, उसका जो इफ़ेक्ट है वो हमारा फेस के ऊपर वो अच्छे से दिखे। तो इसीलिए फर्स्ट हमें फेस को अच्छे से क्लीन करना ज़रूरी है। और हमें फेस को क्लीन करने के लिए मैं इधर यूज करूँगी फर्स्ट कर्ड, और ये देखिए ये जो पाउडर वाला शुगर है, इसी से ही हमारा फेस जो है डीपली क्लीन हो जाएगा और थोड़ा अच्छे से स्क्रब का काम भी करेगा। अगर आपका नोज का ये पर्सन में ज़्यादा ब्लैकेट्स है तो आप थोड़ा सा पाउडर चीटी लीजिए और थोड़ा इसके ऊपर ज़्यादा थोड़ा रब कीजिए, क्योंकि इसी पर्सन में थोड़ा ब्लैकेट्स रहता है। तो ये पर्सन आप वो शुगर पाउडर शुगर के मदद से तो ब्लैकेट्स निकाल सकते हो। जिस जिसको सुंदर होना पसंद है उन लोगों को तो थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, कभी कभी तो करना पड़ेगा ना, जैसे स्पेशल ओकेजन में। तो आप ये कर सकते हो बिना पार्लर जाए, एकदम कम पैसे में घर का ही घरेलू सामान से ही आप सुंदर बन सकते हो। आपका स्किन भी हेल्दी रह सकता है, बस थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा आपको, 15 मिनट्स। तो बस इसको एक कपड़ा और हल्का सा वार्म वाटर में के साथ फेस को क्लीन करना है। तो देखिए फेस कितना साफ हो गया है। अभी तक हम जो फेस पैक है, जो सीक्रेट फेस पैक है हमारा, उसको हम लोग यूज नहीं की है, फिर भी हमारा फेस देखिए कितना साफ हो गया है, खाली हम जो क्लींज करके। और हम अभी एक बनाएंगे फेस पैक, तो उसके लिए फर्स्ट एक ले लीजिए, फिर उसमें हम ऐड करेंगे जैसे दही 1 टेबलस्पून, कर्ड, थिक कर्ड,
जो ज़्यादा पानी हो जाएगा तो फिर वो मैंने निकल जाएगा फेस से। तो इसमें हम ऐड करेंगे डाबर का हनी, जो कि मैं अभी खत्म हो गया था, ऑनलाइन से ही ऑर्डर की थी, तो आ गया ये। और फिर इसको अच्छे से मिक्स कर देते हैं। बेसन 1/2 टेबल स्पून, और जो हमारा सीक्रेट चीज है, क्योंकि बेसन हमारा फेस को साफ करने के साथ साथ फेस को टाइटनिंग करने में बहुत मदद करता है। हमारा जो ओपन पोर्स है और जो रिंकल्स आ जाता है, वो सब चीज में बेसन बहुत ही फायदा करता है। तो बस हम इसमें हमारा जो सीक्रेट इंग्रेडिएंट है वो ये है, चंदन पाउडर। तो इसको भी मैं ऑनलाइन से मंगाई थी, और ये ऐसे ही मार्केट में मिल जाता है, कोई भी जो आपको स्टेशनरी शॉप में मिल जाएगा। फेस के ऊपर अप्लाई करते हैं ऐसे करके। आप ब्रश में भी लगा सकते हो, हाथ से भी लगा सकते हो, और स्पून का पीछे से ऐसे भी करके लगा सकते हो। तो ये पैक हमारा जो फेस को हाइड्रेटेड करता है, और इतना गर्मी है तो हमारा जो टैनिंग का प्रॉब्लम है फेस का, वो सब सॉल्व करता है, और फेस बहुत सॉफ्ट बनाता है। और वो तो आपको करने के बाद ही उसका रिजल्ट आपको पता चलेगा, जब तक आप खुद नहीं करोगे तब तक कोई फायदा नहीं। थोड़ा सा टाइम आपको देना ही पड़ेगा, और इसको हफ्ते में एटलीस्ट एक बार करना पड़ेगा। जब आप फेस पैक अप्लाई करते हो तो ऐसे नीचे से ऊपर ऐसे, और इसको हमेशा फेस पैक को नेक के पास भी लगाना है, क्योंकि जब धीरे धीरे जब एज होता है तो ये पर्सन में भी रिंकल्स स्टार्ट हो जाता है आना। तो इसीलिए हमेशा फेस के साथ इसका भी ध्यान रखना है, नहीं तो फेस टाइट हो जाएगा और इसमें रिंकल आ जाएगा, तो कुछ फायदा नहीं। तो बस इस फेस पैक को थोड़ा सा सूखने के लिए, जैसे बहुत ज़्यादा नहीं, 10 मिनट्स तक रखते हैं, जैसे थोड़ा सा टाइट टाइट हमें अंदर से फील होगा, तो तब तक रखते हैं, फिर उसके बाद मैं दिखाती हूँ क्या करना है। तो फ्रेंड्स देखिए, 10 to 15 मिनट्स के बाद फेस एकदम ड्राई हो गया है, और थोड़ा सोडा सूखा नहीं है, एकदम ड्राई नहीं होना चाहिए, नहीं तो हमारा स्किन जो है वो रफ हो जाएगा। तो थोड़ा सा जब गीला हो जाएगा उस टाइम पे हमें इसको अच्छे से कपड़े के मदद से पोंछना है, ऐसे करके धीरे धीरे, क्योंकि हमारा फेस का जो स्किन है बहुत ही सॉफ्ट है। तो बस फिर फेस को अच्छे से कपड़े में पोंछने के बाद उसको अच्छे से क्लीन करके धो दीजिए, और उसके बाद हमारा जो गुलाब जल है, ताकि हमारा फेस जो है बहुत ही फ्रेश लगे, क्लीन लगे और खूबसूरत लगे।